जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं पितृ दोष के लिए लाए हैं, क्योंकि अभी पितृ पक्ष स्टार्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं। समझ लीजिए 18 सितंबर 2025 से पितृ पक्ष स्टार्ट हो रहे हैं और 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो इन पितृ पक्ष में पितृलोक से जो है हमारे जो पितृ होते हैं वो आते हैं और उनको हम भोग वगैरह सब देते हैं, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार करते हैं। जो भी जिस प्रकार से करना चाहता है पितरों के लिए करता है, कोई अर्पण करता है, तर्पण करता है, मार्जन जो भी करना चाहते हैं हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष है भी या नहीं है, तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम लोग पितृ दोष कैसे देखें। ठीक है, तो पितृ दोष देखने के लिए देखो, नॉर्मली तो वैसे तो नोवा घर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पितृ दोष यहाँ पे जो हम लक्षण वगैरह सब देख रहे हैं, पितृ दोष के लिए जो ग्रह जिम्मेवार है, जिन जिन की युति से बनता है, तो देखिए सूर्य के साथ में अगर राहु आ जाए, केतु आ जाए, ठीक है, या शनि आ जाए, ये 4 ग्रह मैंने लिखे हैं, तो पितृ दोष बन जाता है। सूर्य की जगह पे चंद्रमा भी हो सकता है। इन दोनों ग्रह के साथ में अगर किसी भी स्थान पे ये दोष बन रहा है, ठीक है, अब जैसे यहां कुंडली है किसी की, यहां पे सूर्य लिखा हुआ है और यहीं पे शनि लिखा हुआ है, किसी भी भाव में बन रहा हो, कहने के लिए तो नवम भाव है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, किसी भी भाव में बन रहा हो, ये 7वें घर में बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हालांकि शनि यहाँ पे उच्च का होता है, ठीक है, और सूर्य नीच का होता है। अगर सूर्य की पावर कम है, शनि की ज्यादा है, तो नीच भंग हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन देखिए इस कुंडली को ध्यान से देखिए आप, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक केस ऐसा भी बन सकता है, अगर यहाँ पे शनि अस्त हो जाए, सूर्य शनि को अस्त कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे पितृदोष नहीं बनेगा, क्योंकि शनि यहाँ पे अस्त हो चुके हैं। अब शनि का यहाँ पे अस्तित्व खत्म हो चुका है इस जगह पे, ठीक है। अगर किसी की कुंडली में सीधा सीधा से संपर्क समझिए, अगर किसी की कुंडली में सूर्य के साथ में राहु बैठा हुआ है, तो क्या हो गया, ये बन गया सूर्य ग्रहण दोष, और यही पितृ दोष है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है राहु या केतु, यहां पे राहु और केतु दोनों हैं, ठीक है, चंद्रमा के साथ में राहु या केतु बैठे हुए हैं, तो ये क्या बन गया, चंद्र ग्रहण दोष, और यही बन गया पितृ दोष। तो किसी भी जगह से अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रहण दोष बन रहा है, तो समझ लीजिए पितृ दोष बन चुका है। राहु का बन रहा है, सूर्य से बन रहा है, शनि से बन रहा है। देखिए अगर शनि और चंद्रमा बन रहे हैं, दोनों की युति हो रही है, देखो दोनों में से कोई भी अस्त नहीं होना चाहिए, कभी कभी इनके पास में सूर्य भी आ जाता है, अस्त हो जाता है, तो दोनों में से कोई भी अस्त ना हो, अगर इनकी युति बन रही है शनि चंद्रमा, तो भी बन गया, ठीक है, सूर्य के साथ में राहु आ गया तो भी बन गया, किसी भी भाव में बन रहा हुआ है, चारों बन जाए, दो बन जाए, तीन बन जाए, 3 ग्रह आपस में बैठ जाए, तो भी ये पितृ दोष बन जाता है। पितृ दोष के हमने बता दिया कैसे बनता है, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपके कैरियर भाव में बनेगा, तो आपके कैरियर को चौपट कर देगा बिल्कुल, सबसे ज्यादा आपके लगन भाव में बनेगा, तो आपकी हेल्थ, बीमारियां कभी नहीं खत्म होगी आपकी, ठीक है। तो उसके देखो ज्योतिष में भी अलग अलग विधि विधान है और वैसे भी अलग अलग विधि विधान है। तो आपको क्या करना है इस पितृ दोष के लिए, सबसे आसान सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं आपको। पहले इसके लक्षणों पर नजर मार लेते हैं। देखिए आपके घर में समस्या बनी रहेगी, आर्थिक तंगी रहेगी, काम कोई भी करोगे उसमें बार बार विघ्न पड़ने शुरू हो जाएंगे, काम पूरी तरह से सही नहीं होगा, मानसिक अशांति रहेगी, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता है। आपको बड़ों का, पितरों का आशीर्वाद चाहिए चाहिए। और ये पितर कौन है, ये पितर वे हैं जो अकाल मृत्यु हो चुके हैं, ठीक है, या कोई लंबी बीमारी से कारण या किसी कारण बस दुर्घटना वगैरह के कारण जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़ के, और उनकी इच्छा अधूरी रह गई है, तो वो किन से उम्मीद करेंगे, अपने, सीधी सी बात है, अपने संतान से उम्मीद करेंगे। तो पितृ जो पितृपक्ष होता है उसमें पितृलोक से वो लोग आते हैं और उनसे कामना करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें मुक्ति की। कोई पितृ परेशान है, कोई तड़प रहा है, किसी को मुक्ति नहीं मिल रही है, किसी का कुछ ना कुछ समस्या, तो कौन करेगा, हम ही करेंगे, क्योंकि हम जो है संतान है उनकी और वे पितृ हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे विधि विधान है। इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अभी पितृपक्ष में क्या करना है आपको, अपने किसी भी लोकल पंडित को बुलाइए अपने घर पे, ठीक है,
सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ अभी जो पितृपक्ष में कर सकते हो। एक पंडित को किसी को बुलाइए और उनसे बोलिए कि हमारे घर पे एक हवन, जिसे यज्ञ कहते हैं, या कोई भी ऐसा अनुष्ठान हवन करो जिसमें हम सारे परिवार के लोग, ये हवन करो आपके, जिसमें आप सारे परिवार के लोग चारों तरफ बैठ करके इसमें आहुति डालें और भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जो पितर हैं उनको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, जो परेशान है, तड़प रहे हैं, उनके लिए प्रेयर करें, उनको भोग हवन के माध्यम से दे। ठीक है, कोई भी दिन आप सेलेक्ट कर लो, 18 सितंबर से लगा के आपका 2 अक्टूबर तक का टाइम है, इसमें कोई भी आप एक डेट सेलेक्ट कर लो जिसमें आपको पंडित जी अवेलेबल हो जाए, या फिर कोई भी आप जो आपको अपनी छुट्टी हो, परिवार वाले इकट्ठा हो जाए, और इसमें सारे परिवार के लोग इकट्ठा मिल करके बैठ करके करो, तभी आपको ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। अकेले अकेले परिवार ही एक नहीं है तो फिर बातें थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो परिवार के साथ इकट्ठा होके सभी लोग मिलकर के बैठ करके ये हवन करो। बाकी और छोटे छोटे उपाय हैं, घर में पीपल का पेड़ लगा दो, किसी भी जगह पे पीपल का पेड़ लगा दो, रोज सुबह सूर्य को आप जल देना शुरू करो, पितरों का नाम का पीपल के पेड़ में सुबह वृक्ष में जल दो, आप जड़ में वृक्ष में जल डालो, ये कर सकते हो आप। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे चीजें उपाय हैं। फिर ग्रहण दोष पे आ जाता है तो सूर्य के लिए गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र, फिर कुछ दान होते हैं, बहुत सारी पद्धति है। तो सबसे बेस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें पूरे परिवार के द्वारा हो जाएगा, आप ये वाली करा लो पूजा किसी पंडित को बुला के, सबसे बेस्ट है। और पितृदोष कैसे देखना है वो मैंने आपको बता दिया, चार ग्रहों का सबसे बड़ा रोल होता है, सूर्य, चंद्रमा और राहु, केतु और शनि, इनमें से चारों में आपस में कोई भी आ जाए तो आपका पितृदोष बनना शुरू हो जाता है। अगर अपने जीवन में जल्दी सफल होना चाहते हैं, चाहते हैं कि हर काम सही रहे, ठीक है, घर में जो लंबे समय से बीमारियां चल रही है वो जल्दी से समाप्त हो जाए, परेशानियां बनी रहती है, विघ्न पड़ रहे हैं, ठीक है, अपना जो संतान पक्ष है, जो आने वाला जो संतान पक्ष है उसमें समस्या बार बार बनी आ रही है, किसी के घर में संतान उत्पन्न ही नहीं हो पा रही है, कभी मिसकैरेज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये भी सब पितृदोष के लक्षण है, बार बार परेशान हो रहे हैं, हर काम को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने पितरों की शांति करो, उनको भोग दो, उनको यज्ञ भाग दो, उनको प्रार्थना करो, ये आप करो, उससे आपको लाभ होगा। और कैसे देखते हैं आप अपनी कुंडली उठाकर देख लीजिए स्वयं से कि आपको पितृदोष बनता है कि नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, वीडियो छोटी सी जानकारी थी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।